वर्चुअल बैठक माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसे आप लोग लब्बिहात के नाम से पुकारते हैं, उस अध्यादेश को मंजूरी दी गई। हमारी बेटी, बहन, बहू जिस तरह से अमानुषिक डरा के, धमका के, लालच से, प्रलोभन से करते थे, आज के बाद ये अध्यादेश महामहिम के दस्तखत होते ही कानून बन जाएगा और बाकी के मामले इस दायरे में आएंगे। आज दंड विधि अध्यादेश को भी मंजूरी दी है। इस दंड विधि अध्यादेश में हमारे जो मध्य प्रदेश के अंदर मिलावट की शिकायतें आती थी, कहीं दूध में, कभी पनीर में, कहीं घी में, और हद जब हुई जब प्लाज्मा और कोरोना वैक्सीन की भी शिकायत आने प्रारंभ हुई, तो इसमें आजीवन कारावास के प्रावधान का रखा गया है कि अब कोई भी मिलावटी व्यक्ति बच नहीं पाएगा। इसी तरह से मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अध्यादेश भी आज पारित किया गया। ये मील का पत्थर मध्य प्रदेश में साबित होगा। कोई भी व्यक्ति अगर शिकायत करता है, उस अध्यादेश के तहत में सेवा प्रदान करने की गारंटी 7 दिन की है, और 7 दिन में उस अधिकारी में नहीं दिया है तो 8वें दिन से वो अपने आप ऑटोमेटिक उसको ऑनलाइन वो अनुमति मिल जाएगी। आज मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जो केंद्र ने संशोधन किए थे, उनके साथ वो अध्यादेश भी यहाँ पर पारित कर दिया गया है। आज बहुत सारे अध्यादेश आए, इसमें मध्य प्रदेश वैट गति संशोधन भी आया है और मध्य प्रदेश मोटर स्पीड संशोधन भी आया है, मध्य प्रदेश के द्वारा सहकारी सोसाइटी संशोधन आज अध्यादेश पारित किया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर जो अध्यादेश और आए हैं उसमें भोज मुक्त विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश को आज पारित किया है, श्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय को पारित किया है, एस एन शुक्ला विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश आया है, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अरविंदो विश्वविद्यालय और महाकौशल विश्वविद्यालय जबलपुर के लिए आया है। इस तरह से आज अनेक अध्यादेश आए। आज मध्य प्रदेश कैबिनेट की आखिरी बैठक थी और इस आखिरी बैठक में, चूंकि ये साल हमारा काफी कठिन साल था, इस साल में कोरोना के कारण से आर्थिक दिक्कत भी आई, व्यवहारिक दिक्कतें लॉकडाउन की वजह से लोगों को आई, स्वास्थ्य की दृष्टि से लोगों को दिक्कत आई, आने वाला साल उमंग और उत्साह और ऊर्जा भरा हो ऐसी प्रार्थना की मुख्यमंत्री जी ने। और उन्होंने वो जो कोरोना काल में जिन्होंने काफी परिश्रम किया, हमारे नर्स, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, उन सब की बहुत तारीफ की, प्रशंसा की मुख्यमंत्री जी ने। इन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर सेवा दी है और इसीलिए उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता का भी आभार व्यक्त किया कि प्रवासी मजदूरों को उन्होंने किस तरह से सेवा। चलो जी, नहीं।